आखिर क्यों लद्दाख में लोग बर्फ का ऐसा पहाड़ बनाते हैं और ये पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं? पीछे की वजह जान आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल लद्दाख भारत की एक ऐसी जगह जहां हर साल सिर्फ 30 से 100 एमएम बारिश होती है, जिस वजह से लद्दाख में रहने वाले लोग साल में कई महीने पीने के पानी तक के लिए मोहताज हो जाते हैं। लद्दाख में पानी का अगर कोई अच्छा सोर्स है तो वो है हिमालय के ग्लेशियर्स। गर्मियों में इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से लद्दाख में लोगों को पीने का पानी मिलता है, लेकिन पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स 20% तक कम हो चुके हैं, जिस वजह से लोगों को साल के कई महीने पानी की दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए इन विशाल बर्फ के पहाड़ों को लद्दाख में बनाया जाता है, जिन्हें आइस टूपास भी कहते हैं, जिनके पिघलने की वजह से ही लोगों को पानी मिलता है, जो कि वाकई एक लाजवाब इन्वेंशन है। इनको बनाने के लिए ठंड के समय हिमालय की ऊंचाई से जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे जमीन तक लाकर सीधा रख दिया जाता है। पानी अपनी ऊंचाई को हमेशा बैलेंस करके रखता है, इसलिए पानी जमीन पर रखे इस वर्टिकल पाइप से तेजी से बाहर निकलकर आइस टूपा में बदल जाता है, जो कि गर्मी आने के पहले नहीं पिघलते।